नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। और न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड के बीच होने वाला दूसरे टेस्ट मैच का हम लोग पहला दिन का गेम प्ले लेके आए, प्रेडिक्शन लेके आए, जिसके अंदर हम लोग न्यूजीलैंड की टीम बन रहे हैं। 1-0 से ऑलरेडी न्यूजीलैंड आ गए टूर्नामेंट में। और अगर बात करें रियल मैच की, जो कि सैडन पार्क में होने वाला है, और ऑब्वियस है कि ये ग्राउंड है नहीं गेम में। दूसरी बुरी बात ये हुई है कि मेरा पूरा डेटा करप्ट हो गया है, मैं फिर से यार सब कुछ करना पड़ा है। मेरा करियर का डेटा मिट गया, अरे बाप रे, सुपर 30 चैंपियनशिप भी मिट गई मेरी। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू आवर कवरेज फॉर दिस टेस्ट मैच बिटवीन न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड। ये बात तो मैंने सोची नहीं यार। एंड अलोंगसाइड मी टुडे इज जेम्स टेलर। हे स्लैट्स, वी आर ऑलमोस्ट रेडी टू गेट थिंग्स स्टार्टेड हियर। द क्लाउड्स आर क्लोजिंग बट द रडार सेज वी आर लाइकली टू मिस एनी रेन। अभी के लिए इग्नोर करते हैं हम सुपर 30 चैंपियनशिप को और मैच पे बात करते हैं। यार बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मैच, शुड बी क्लोज। Out to the middle now. It's time for the coin toss. England ka call hai, New Zealand ke kaptan Ken Williamson ya karenge toss. Jo root option hamare paas hai. Main batting lena chahta hu yahan pe. Bit of surprise there. Batting first in these conditions. बहुत बड़ी अफसोस की बात है यार। मैं अभी मेरे ध्यान से निकल ही गया कि सुपर 30 चैंपियनशिप भी तो करप्ट हो गई डेटा। मैंने गेमिंग मोड ऑन किया था अपने पीसी में और सारा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। इंग्लैंड की टीम मैंने कस्टम की नहीं है, इसलिए सब कुछ वैसे का वैसा ही आया है जैसा था। न्यूजीलैंड के कपड़ों के पीछे नंबर भी नहीं आए हैं। ये सबसे ज्यादा दुख मुझे सुपर 30 चैंपियनशिप के होने का हो रहा है। शुरुआत हो रही है टेस्ट मैच की, गेम फॉर्मेट हमारा वैसा ही रहेगा। अंत के आखिरी सेशन का हम लोग खेलेंगे या बीच के सेशन का, जैसी हालत होगी। कुछ सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि पूरा का पूरा गेम जो है वो खत्म हो चुका है यहाँ पे। इन्वर्ट बॉलिंग अभी पहले बाद में देखते हैं, पहले हम कमेंट्री का थोड़ा साउंड कम करते हैं। पका रहा है कमेंटेटर हमको, कहाँ गया पकाऊ यहाँ पे यार, पूरा बता नहीं सकता यार मैं आपको। कमेंट्री लगभग ना के बराबर ही रखेंगे, हम लोग को जरूरत है नहीं कमेंट्री की, 5% भी बहुत ही ज्यादा है। जनरल सेटिंग की बात करें तो मैं डिफिकल्टी देखना चाहूंगा, डिफिकल्टी कितनी है। बैटिंग मोड हार्ड रखो भाई, हार्डेस्ट तो नहीं लेकिन हार्ड जरूर रखेंगे। बॉलिंग हार्डेस्ट, फील्डिंग सेटअप हार्ड, फिजिक्स तो सबको डिफॉल्ट ही आ रहा है। ठीक है, सही है, वेटरन रख दिया सबसे मुश्किल यही है, लेजेंड भी है, चलिए लेजेंड रख देते हैं, लेजेंड रख दिया है बाकी सब। जनरल सेटिंग में हमको जो बदलना है वो कैमरा एंगल बदलना है बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप का। बैटिंग का कैमरा एंगल ब्रॉडकास्ट 1-2 रखता हूँ, बॉलिंग में हम लोग बदलेंगे बाद में। प्रो मोड बॉलिंग में रखते हैं क्या, पता नहीं कैसा है, देखेंगे हम लोग। हाल फिलहाल बैटिंग है, बैटिंग की तरफ भी फोकस करेंगे। और कंट्रोल एकदम अलग आ रहा है यार। अरे अरे, ये कहाँ जा रहा है, अरे 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 बाप रे, ये क्या खेल रहा है ये। सेटिंग जाके बदलनी पड़ेगी यहाँ पे कंट्रोल की, ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई यहाँ पे। मेरे ख्याल से मैंने गलती कर दी यहाँ पे, जो मैंने किया है ना बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। नया कंट्रोल का मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है यहाँ पे इस गेम में, अब देख ही सकते हैं आप लोग, यहाँ पे कुछ ऑप्शन ही नहीं आ रहा। मैं, मेरा प्लेयर भी पता नहीं किस मूड में खेल रहा है, वो कहाँ कितना स्टंप ओपन कर रहा है। ओए होए, एकदम अलग ही खेल रहा है ये। सेटिंग में और बदलाव करेंगे हम लोग। क्या बर्बाद हो गई गेम यार, डिफिकल्टी अच्छा। हाँ, यहाँ ऑप्शन है ना, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रखते हैं हम लोग। अब उम्मीद करता हूँ कि अब सही हो गया होगा। जी हाँ, अब हो गया है, हमको जो चाहिए था स्टैंडर्ड कंट्रोल। और हम एक और गेंद खेलेंगे, उसके बाद हम लोग अपना आउट ऑफ प्ले करेंगे यहाँ पर गेम। कैमरा एंगल को और बदलना होगा यहाँ पर, ये कैमरा एंगल इतना सही नहीं लग रहा है मेरे को।
setting, general, camera, batting or broadcast, bowling close, ठीक है अभी रखते हैं यहाँ पे. उसके अलावा यहाँ पे simulation भी करना है, meaning को ये पूरा का पूरा session जाएगा. यहाँ पे 50 over कर रहा हूँ मैं. हालत तो बहुत खराब कर दी है. 20 over हम लोग करेंगे. अरे बाप रे, 10. अब आखिरी session बचा लेना भाई. बचा लिया, 60 over survive कर गई है किसी तरह. आखिरी session की शुरुआत होगी. और ये काफी अलग है कैमरा एंगल, मजा आने वाला है इस नए कैमरा एंगल में. गेंदबाजी का कितना दिखता है वो देखना पड़ेगा सबसे बड़ी बात. एज लगता हुआ और यहाँ पर पहली गेंद कैच आउट हुई है. नया कैमरा एंगल खराब शुरुआत के साथ यहाँ पे बढ़ा है. करण ने पहली गेंद पे विकेट ले लिया. मैं स्कोर तक पढ़ नहीं पाया हूँ कि कैसे पढ़ू क्या करूँ. चैलेंज देने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ग्लव्स आया. हाँ देखिए, देख सकते हैं ग्लव्स लगा हुआ है यहाँ पे. और कीपर ने कैच नहीं किया, ये देख सकते हैं आप लोग. बेन स्टॉक्स ने आके कैच किया सेकंड स्लिप से शायद. कीपर तो अलग ही कहीं कुछ कर रहा था, पता नहीं क्या कर रहे थे कीपर. लेकिन मिशेल शैंटनर यहाँ पर आउट होते हुए नए कंट्रोल, नए कैमरा एंगल में खेलने का थोड़ा सा नुकसान यहाँ पे झेलना पड़ा है पहली गेंद विकेट गंवाते हुए. उम्मीद करता हूँ किसी तरह से मेरा वो बच गया हो तो मजा आ जाएगा यार. एक बार फिर से ऐड लगता हुआ. टाइमिंग यहाँ पे उसके दिखा रहा है अभी भी. और इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है. कैमरा एंगल शायद बदल देंगे हम लोग अगर एक विकेट और जल्दी गिरता है तो. हाल फिलहाल का जो प्लान है वो ऐसा कुछ है कि 70 ओवर तक खेलना है, फिर 10 ओवर का ऑटो प्ले होगा. आइडियल लगा है शॉट और चौका लगता हुआ. देखिए अभी अभी हम लोग यहाँ पर टाइमिंग की बात कर रहे थे, यहाँ पे अगली गेंद पे चौका लगा दिया. नेट रन रेट काफ़ी कम लग रहा है यहाँ पे. 3.5 का नेट रन रेट है. हमको कम से कम इसको 4 पे ले जाना होगा. पूरे 90 ओवर खेलने भी होंगे, ये भी एक टारगेट होगा हमारा दोनों. ये नेट रन रेट को 4 पे ले जाना होगा. एक और अर्ली शॉट लगता हुआ, लेकिन यहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है शॉट में. स्पीड काफ़ी कम थी इसलिए शायद अर्ली हुआ है यहाँ पे. सैम करन अगली गेंद करते हुए. वैगनर आए हैं यहाँ पे. बहुत ही जरूरी होगा देखना किस तरह से खेलते हैं ये. बढ़िया शॉट लगाया, गुड टाइमिंग है. गेंद के रुकने की चांसेस लेकिन फिर भी ना के बराबर हैं. रोक लिया है, नहीं चली गई है गेंद अंदर. रिप्ले में तो दिखाएगा नहीं, वो बाउंड्री वाला एक्शन दिखा रहे हैं इस बार. वाह, गेम पूरी की पूरी रिसेट हो गई. मैं आपको बता दूं यार, मैंने बैकअप लिया होता तो बच जाते हम लोग. अच्छी बात यह है कि यार क्या बताएं हम. अगली गेंद वैगनर यहां पर खेलेंगे. बेहतर खेला है शॉट, काफी बढ़िया खेला है. ओके टाइमिंग अभी भी आ रहा है, थोड़ा और बेहतर करना होगा शॉट को. पहली गेंद पे विकेट गंवाया था, उसके बाद 5 गेंदें खेली है. स्पिनर आया है, अरे बाप रे, और मजेदार होने वाला ये गेम. स्पिनर के आने से ये गेम और मजेदार होगा. फ्लिक किया है, प्लेयर को बीट कराने में सफलता मिली. आइडियल लगा है लेकिन फिर भी इसके बावजूद तीनों आइडियल है, तो भी गेंद बाउंड्री तक नहीं जा पाई है. तीनों चीजें आइडियल है, इसके बावजूद बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं कर पाए हम लोग. ये हमारे लिए बहुत शॉकिंग की बात है, शॉक की बात है. इस बार ओके टाइमिंग से खेला हुआ शॉट, सिंगल मिलेगा सिर्फ. एक अलग ही लेवल का चैलेंज लग रहा है मेरे को यहाँ पे इस नए कैमरा एंगल में. टारगेट लेकिन अभी भी वही रहेगा हमारा कि यहाँ पर हमें 70 ओवर तक खेलना है, उसके बाद 10 ओवर का ऑटो प्ले होगा और 90 ओवर पूरा खेलना है. गुड शॉट, 2 रन का कॉल. रनिंग थोड़ी सी टफ करनी होगी. डाइव लगाएंगे हम लोग, ना लगाने से बेहतर है कि डाइव लगा के पहुंचे, क्योंकि कई बार क्लोज हो जाता है मैच, कई बार कई रोमांचक मौके हो जाते हैं, कई बार हम लोग आउट भी हो जाते हैं, तो वो गलती करने से बेहतर है यहाँ पे. ये थोड़ा लेट खेला है शॉट, इसके बावजूद भी हमने 2 रन निकाल लिए हैं. डायरेक्ट हिट आउट कर देगी लेकिन लगी नहीं है, तो बच गए हैं अभी के लिए. बहुत ही रिस्की रन लिया था वैगनर ने, जरूरत थी नहीं 2 रन लेने की. अननेसेसरी शॉट में फंस गए थे. बेहतर खेला है पहले से और गैप भी जाता हुआ. 2 रन आराम से आएंगे. जी नहीं, पूरा किया यहाँ पर 2 रन एक बार फिर. आखिरी गेंद यहां पर मोइन अली की. 6 ओवर कर रहे हैं, अभी तक विकेट कोई नहीं मिला है.
फ्लिक शॉट इस बार बेहतर खेला है, डायरेक्शन भी काफी अलग है शॉट का और रोक लिया गया है, दो रन ही ले पाए सिर्फ बाउंड्री की लाइन पे पहुंचने के बावजूद भी ये हालत। शेडोन पार्क हमारी गेम में है नहीं तो हमें वेलिंगटन में मैच रखना पड़ा है। रोस्टेल और यहाँ पे सेंचुरी के करीब, पर यार अब वाइड गेंद होगी लेकिन एम्पायर देंगे नहीं शायद, क्योंकि जी नहीं दिया है, काफी बड़ी वाइड थी, वार्निंग भी दी गई है बाउंसर की, एक बाउंसर डाली है अभी तक। पहला गेंद अपने करेंगे सैम करन, पिछली बार लाजवाब गेंदबाजी की थी, इस वक्त गैप बहुत बढ़िया ढूंढा है, गेंद फील्डर कोशिश जरूर कर रहा है पीछे उसकी लेकिन नहीं रोक पाएंगे चार रन। एक बढ़िया टाइमिंग से खेला हुआ शॉट, चौके में कन्वर्ट किया है यहाँ पे, फील्डर के बहुत ही नजदीक से गया, जो रूट को पता था कि इससे रुकना चाहिए था, ये चौके लायक शॉट था नहीं। बेहतर शॉट, काफी बढ़िया खेला है, सिंगल मिलेगा सिर्फ, स्ट्राइक को करेंगे रोटेट। वैगनर आए हैं, इनके लिए फील्डिंग सेटअप काफी बढ़िया है, दोनों तरफ से बाउंड्री लग सकती है, लेग साइड ऑप्शन दोनों पे है, बस आपकी टाइमिंग पे डिपेंड करेगा। यहाँ दो रन बनेंगे आराम से, तीन की कोशिश नहीं करेंगे हम लोग, दो से खुश हैं। पांसठ पॉइंट तीन ओवर हो चुके हैं अभी तक, 63rd ओवर चल रहा है यहाँ पे 63। ओ काफी नजदीक से गया है, बैट्समैन स्पीड को पढ़ नहीं पाए थे, गति को समझ नहीं पाए थे। 63rd ओवर अभी भी चालू है, एक बार फिर से ऐड लगा हुआ, पहुंच नहीं पाया है फील्डर तक, शॉट चॉइस पुअर दिखा रहा है यहाँ पे, पता नहीं और कौन सा शॉट खेलते अगर ये शॉट नहीं खिलाता हूँ। आखिरी गेंद, तीसरा ओवर यहाँ पे पूरा होगा, इसके साथ 20 ओवर का टोटल हमारा गेम प्ले होता है यहाँ पे टेस्ट मैच, जब भी हम लोग खेलते हैं। पहले हम लोग टेस्ट मैच नहीं खेलते थे मैं आपको बता दूं, उसके बाद हमने नियम बनाया टेस्ट मैच खेलने का, 5 ओवर हम लोग खेलते हैं T20 प्रेडिक्शन में, 10 ओवर खेलते हैं हम लोग वनडे प्रेडिक्शन में और 20 ओवर हम लोग खेलते हैं यहाँ पे टेस्ट मैच प्रेडिक्शन के वीडियो में। बड़ा शॉट लेकिन कहीं और ही गया है, लगा है यहाँ पे लेट शॉट था, दो रन निकाल लेंगे आसानी से, लेकिन फिर भी अगर जो शॉट लगा रहे थे वो लगता तो फिर आसानी से चौका या सिक्स तो आता ही। फील्डिंग सेटअप ही ऐसा दिया है इन्होंने, कप्तान ने, इंग्लैंड के कप्तान ने इस तरह का फील्डिंग सेटअप दिया ही है कि किसी की भी इच्छा हो जाएगी, और ये हुई है इच्छा और सफल होती हुई, देखना होगा सिक्स है कि चौका है, सिक्स लगता हुआ 106 मीटर लंबा। पहले भी एक गेंद दी थी ऐसे ही, उस बार खेल नहीं पाए थे लेकिन इस बार कोई गलती नहीं की है। फील्डिंग सेटअप आप देख सकते हैं, 1, 2, 3, 2, 6, 7 प्लेयर यहीं पर हैं नज़दीक में, सिर्फ 4 प्लेयर हैं। एक और बड़ा शॉट, पहली बार से भी बेहतर है इस बार तो, ग्राउंड छोटा है तो देखना होगा कितनी दूरी पे, 109 मीटर लंबा, एक बार फिर छक्का लगाए। रोज टेलर की सेंचुरी, पहली बार मैंने किसी क्रिकेट की गेम में हेलमेट उतार के सेलिब्रेशन करते हुए देखा, बहुत छोटा सा सेलिब्रेशन था यार लेकिन पहली बार अपनी जिंदगी में मैंने ऐसा देखा है होते हुए किसी क्रिकेट गेम में। बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, रिप्ले देखेंगे हम लोग, नहीं जरूरत नहीं है रिप्ले की, बाद में देख लेंगे, अभी के लिए बहुत बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर करते हुए। गलती कहाँ हो रही है पता है, गलती हो रही है यहाँ पर गेंदबाज की तरफ से, लगातार गेंद दे रहे हैं पैरों पे, लगातार गेंद है मिडल के ऊपर, तो फिर वहां पर से तो बैट्समैन मारेगा ही शॉट, और कोई रास्ता है नहीं उसके पास। भरपूर रन बना रहे हैं यहाँ पे, भरपूर फायदा उठा रहे हैं यहाँ पर कमी का। मोइन अली पूरी तरीके से निराश किया है यहाँ पे, 7वां ओवर हुआ है अभी, पूरा नहीं हुआ है और 50 के ऊपर जा चुका है, फिर से ऐड लगता हुआ, 2 रन का कॉल रिस्की है, डायरेक्ट हिटर आउट है। अबे गया यार, कौन गया, वो भी वैगनर गए शायद, वैगनर गए हैं यहाँ पे। 15-11 गेंदों में 16 रन बनाकर सफलता मिली है यहाँ पर, भले किसी और की बदौलत, अब न्यूजीलैंड की बेवकूफी की बदौलत, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। अगले खिलाड़ी टीम साउथ ही आएंगे अब बैटिंग में, The right-handed batsman is coming in at number 5,
एंडरसन गेंदबाजी करने आए हैं, रियल लाइफ मैच में नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि सब कुछ रिसेट हो गया है यहाँ पे। बड़ा शॉट के साथ ही शुरुआत की है लेकिन शायद ये गेंद जाएगी, अरे अरे आउट हो गए यहाँ पे। रोज टेलर यहाँ पे टिके हुए हैं अकेले, लेकिन यहाँ पर हमने अग्रेसिव शॉट खेला था, डायरेक्शन गलत दिशा में था, आसान कैच के साथ यहाँ पर पहली गेंद पर आउट हुए हैं टिम साउथी। शॉट इतना भी खराब नहीं था लेकिन हमने डिफिकल्टी लेजेंड रखी है, वेटरन रखी है, इसके कारण यहाँ पे पहली गेंद पे आउट हुए हैं। शॉट सिलेक्शन साइड से लग नहीं रहा है। ट्रेंट बोल्ट आए हैं गेंदबाजी करने, अब बैटिंग करने गेंदबाजी में आते थे लेकिन इस बार बदला है सब कुछ। और एक और बड़ा शॉट की कोशिश, दो रन का कोशिश होगा यहाँ पे, रिस्की है लेकिन डायरेक्टली लगेगी क्या? अरे तुम्हारी, क्या बोलूं यार मैं, क्या बेवकूफी कर करके मैं आउट हुआ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा यार। इतना बढ़िया मैच था हाथ में, चलो पहली विकेट गिरी मैं मानता हूँ यार, पहली विकेट गिरी, गलती से गिरी, कैमरा एंगल नया था, कंट्रोल थोड़ा बहुत अलग लग रहा था, पर उसके बाद आप जिस तरह से मैच हारे हो वो आउट हुए वो बहुत ही खराब है। ऑल आउट हुई है यहाँ पे न्यूजीलैंड, पहले ही दिन 64 मतलब 5 ओवर लगभग खेला इन्होंने, सबसे बढ़िया बैटिंग किया रोज टेलर ने, उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ जीत रावल को थोड़ा बहुत मेंशन दे सकते हैं हम लोग। गेंदबाजी की बात करें तो 3 विकेट निकाले करण ने, 2 निकाले हैं बॉक्स और ब्रॉड ने, 1 निकाला एंडरसन ने। ओवरऑल इंग्लैंड के नाम रहा है यहाँ पे, अभी पहली इनिंग न्यूजीलैंड की कुछ कर नहीं पाई है इसलिए। और अब बैटिंग में आएंगे, बंस स्ट्राइक लेंगे पहली, ट्रेंट बोल्ट यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे। अरे बाप रे, तो नया ही कंट्रोल आ रहा है, ये कंट्रोल कौन सा कंट्रोल है भाई, अरे बाप रे ये कैसा कंट्रोल है समझ नहीं आ रहा मुझे। बाय का इशारा दे दिया गया है, हम बदलेंगे इसको थोड़ा बहुत। अरे बाप रे ये बहुत अलग ही कंट्रोल आ रहा है मेरे को, सीरियसली समझ नहीं आ रहा। ये देखो सीम एंगल आ रहा है, ये पता नहीं क्या क्या चीज़ आ रही है। अरे बाप रे क्या गेंद डाली है, बाय हो गया है। कंट्रोल बदलते हैं हम लोग, गेंदबाजी का कंट्रोल भी यहाँ पर बदलेंगे। बॉलिंग कंट्रोल कहाँ पे भाई, पेस बॉलिंग कंट्रोल क्लासिक नहीं स्टैंडर्ड, दो सब चीज़ें स्टैंडर्ड कर दिए। अपनी गेंदबाजी पे आ गए हम लोग, और एक और चीज़ हम बदलेंगे यहाँ पे, पहली गेंद डालने के बाद हम 10 ओवर का ऑटो प्ले करेंगे, अंत की सारी ओवर हम डालने वाले हैं। सेटिंग में कैमरा एंगल बदलना बहुत जरूरी है गेंदबाजी का। प्रो मोड रखा है, ब्रॉडकास्ट 1 रखते हैं, 1 रखते हैं, चलिए 1 देखते हैं 1 में क्या है, नॉर्मल होगा शायद, ठीक है वो यही रखते हैं, 1 ही रखते हैं। पहली गेंद डालेंगे हम सिर्फ, उसके बाद बदल देंगे हम लोग। बढ़िया डिफेंस होता हुआ बढ़ेंगे हम लोग ऑटो प्ले की तरफ, 10 ओवर का हिस्सा ऑटो प्ले होगा, मैं चाहूंगा एक भी विकेट ना खोए यहाँ पे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया यहाँ पर इंग्लैंड, म्यूजिक आप सुन ही सकते हैं यहाँ पे। जेसन रॉय आए हैं और गेंदबाजी कॉलिन डिग्राम कर रहे हैं, फील्डिंग सेटअप में हम कुछ चेंज करेंगे नहीं अभी के लिए, डिफॉल्ट के साथ ही जा रहे हैं। ये कैसी गेंद हो रही है, इतनी धीरे, और प्लेयर के चेहरे भी बदल गए हैं क्या, कॉलिन डिग्राम की इतनी दाढ़ी नहीं थी कभी, सब कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो गया है यार। गेंदबाजी बहुत धीरे हो रही है, इतनी धीरे कैसे, 127 की स्पीड से कर रहा है ये गेंदबाजी, 50 की पार्टनरशिप पूरी होती हुई यहाँ पे बंस और जेसन रॉय के बीच में, और गेंदबाजी हमारी बहुत अजीब हो रही है, ये मेरे समझ से बाहर है, इतना धीरे क्यों डाल रहा है ये नहीं समझ में आ रहा, मैं तेज गेंदबाजी कर रहा हूँ तो भी। क्वालिटी ग्राम जैसे लग भी नहीं रहे, ये भी एक मेरे लिए बहुत ही अजीब सी बात है, और गेंद इतना धीरे क्यों डाल रहा है। लेफ्ट साइड, अब हम धीरे डालते हैं, अब देखता हूँ अब क्या करता है, जब हम धीरे डालते हैं तब क्या करता है, धीरे करते हैं तो और धीरे कर रहा है, 130 पे डाल रहा था, 132 पे डाल रहा था, अब 122 पे गेंदबाजी हो रही है। ऑडियंस यहाँ पे हौसला बढ़ाती हुई, न्यूजीलैंड का उनकी होम टीम है भाई, हौसला तो बढ़ाएंगे ही। स्लोअर गेंद, सीरियसली इतना ज़्यादा स्लो आ रही है गेंद, मैं आपको बता नहीं सकता, या तो फिर कॉलिन डिग्राम को मीडियम पेसर बनाया गया हो तो ठीक है, तो भी स्लो आ रही है। डायरेक्ट थ्रो, वाह, ट्रेंट बोल्ट आए हैं, यहाँ पता चल जाएगा स्पीड का, एनिमेशन में क्या गड़बड़ हो रही है, क्या गड़बड़ है पता चल जाएगा अभी। जी हाँ कुछ तो गड़बड़ है, 142 की स्पीड से डाल रहे हैं,
या तो पिच से मदद नहीं है या फिर कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है गेम में। ये बहुत ज्यादा स्लो आ रही है, बहुत बढ़िया फील्डिंग यहाँ पे सेटअप, स्लिप आप देख ही सकते हैं, स्लिप की भरमार रखी है यहाँ पे। तीन दो पांच प्लेयर तो हैं ही। अरे ये गलत गेंद हो गई मेरी, मेरा ध्यान फील्डिंग सेटअप पे था। फिर से एक बार कोशिश करेंगे यहाँ पे गेंदबाजी की, तेज गेंदबाजी रखने की कोशिश। बहुत ही बढ़िया स्विंग निकलता हुआ 146 की स्पीड से डाला है, 154 भी डालते थे पर ये पता नहीं क्या हो गया इस गेम को। ये गया है चार रनों के लिए, फील्डर नाकामयाब, कोशिश करेंगे। 206 की लीड रह गई है सिर्फ अब इस मैच में। बैट वैट लगता है सब कुछ मिट गया। बाउंसर की कोशिश है, तेज बाउंसर करने वाले हैं यहाँ पे। बाउंसर भी बाउंसर जैसी गई नहीं है, गुड लेंथ गई है गेंद बल्कि। आखिरी गेंद, इसी के साथ हमारा दूसरा ओवर पूरा होगा। टोटल 15 के आसपास ओवर करने हैं हमें, एंड ऑफ द डे तक हम करने वाले हैं गेंदबाजियां। देखिए सिंगल निकाल दिया, एक क्विक सिंगल था यहाँ पे, जनरली मैच में लेते नहीं है इस तरह का सिंगल, लेकिन स्ट्राइक अपने पास रखनी थी और वो इन्होंने बहुत बखूबी किया है। ग्रांडोम दो ओवर 10 रन दे चुके हैं, लेकिन स्पीड देखने को नहीं मिल रही है गेंदबाजी में, वो मेरे लिए एक बहुत अजीब सी बात है। स्पीड गेंद की बहुत ज़्यादा कम लग रही है, स्टैंडर्ड डिलीवरी कर रहे हैं हम लोग। एक बार फिर यहाँ पे तेज गेंदबाजी की कोशिश है, डिफेंस होता हुआ 138 की स्पीड से डाल रहे हैं इस वक्त। स्लोअर इन स्विंग, पहले ही पढ़ लिया था, हल्का सा सिर्फ डायरेक्शन दिखाया है। सिंगल मिलेगा सिर्फ यहाँ पे, बहुत ही लंबा होता है टेस्ट मैच आप देखो अगर। अब पहला टेस्ट मैच तो न्यूजीलैंड जीत चुकी है इतने बड़े अंतर से। बढ़िया फील्डिंग यहाँ पे दिखाते हुए, आसान नहीं होता जब आप नजदीक की पोजिशन में खड़े हो। भले टेस्ट मैच है, बंदा बड़े शॉट नहीं मारा, लेकिन फिर भी गेंद को रोकना उतना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर गैप में जाता हुआ पर रुकेगा मेरे ख्याल से शॉट, क्योंकि आउटफील्ड से इतनी मदद नहीं है। अरे यार बाउंड्री दे बैठे हैं। आउटस्विंग की कोशिश यहाँ पे एक बार फिर करेंगे, स्लोअर गेंद कर रहे हैं एक बार फिर हम लोग। बढ़िया यहाँ पर डिफेंस होता हुआ, लेग साइड की तैयारी फुल स्पीड से करने वाले हैं गेंदबाजी। डिफेंस होता हुआ यहाँ पर, ऑफ साइड में गेंद रखने की कोशिश है, बाउंस कराना चाहते हैं यहाँ पर एंगल बना के, लेकिन डिफेंस इतना जबरदस्त है जेसन रॉय का। और खाली डिफेंस नहीं है इनका, आप एक बार स्ट्राइक रेट देखिए, 42 गेंदों में 37 किए, वो भी काफी कुछ गेंदे तो अभी डिफेंस किए, नहीं तो इससे पहले तेज ही खेल रहे थे वो, तो डिफेंस खेलने के बावजूद इतना बढ़िया है यहाँ पे। अगर तेज खेलने लगते तब क्या हालत होती, वो एक सोचने वाली बात है। बहुत ज्यादा बाहर की तरफ है ये, मीडियम पेसर लग रहे हैं गेंदबाज, क्योंकि अब कीपर काफी नजदीक खड़े हैं। वाइड गेंद दिया है यहाँ पे, लेफ्ट आर्म है इसलिए साइड इनकी ओवर द विकेट दूसरी तरफ से आती है। जो राइटी का राउंड द विकेट होता है वो लेफ्टी का ओवर द विकेट होता है। अभी तक पांच गेंदे चार गेंदे डाली हैं, एक वाइड के रन आए हैं ओवर में, पर बात यहाँ पर विकेट की है ही नहीं, बात यहाँ पर रनों की है ही नहीं। कोशिश आपको ये करनी है कि कम से कम अपील हो करेंगे हम लोग जरूर यहाँ पे। नॉट आउट दिया गया है यहाँ पे, हम लोग लेंगे नहीं DRS क्योंकि शायद पिच खा चुके हैं गेंद, और ऑप्शन भी नहीं दिया है हमको कि हम DRS का ऑप्शन भी ले सकें। बढ़िया शॉट, पावरफुल हिटिंग, बैट की आवाज़ जो आई है बॉल से टकरा के, मन खुश हो गया है। लेकिन बस प्रॉब्लम ये कि हमारी टीम के बैट्समैन नहीं मारा है। स्टैंडर्ड डिलीवरी, विकेट का तो कोई चांस ही नहीं लग रहा। ये गेम इतनी अलग क्यों लग रही है मुझे, ये सही में समझ नहीं आ रहा यार। इतना स्लो हो गया है गेम की 140 की स्पीड भी 140 जैसी लग नहीं रही है इस गेम में इस वक्त। बहुत ज्यादा सेटिंग मैंने चेंज की नहीं, बहुत बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया। रिप्ले देखेंगे हम इसका, क्योंकि जिस तरह से रोका है ना मुझे बहुत अलग लगा ये। ये देखिए इस तरह का रोका है इन्होंने, रे बाप रे, मुंह छिपा के रोकी है गेंद, इनका मुंह ना दिख जाए कैमरा एंगल में, अजीब सा है। और यहाँ पे जो एंगल बना है वो जबरदस्त है, कितना जबरदस्त तरीके का एंगल बना है यहाँ पे।
बहुत ही जबरदस्त तरीके का। पढ़ेंगे हम अपनी गेंद की तरफ, तेज गेंद करने की कोशिश है पूरे दम से, लेकिन गेंद धीरे हो जा रही है। ये प्रॉब्लम इसीज में भी आई थी, मेरे को याद आ रहा है इसीज का जब डेटा मेरा रिसेट हुआ था, करप्ट हो गया था, तब ये प्रॉब्लम आई थी यहाँ पर। प्लांडो अभी भी गेंदबाजी कर रहे हैं, डिफेंस लगातार हो रहा है। बंस काफी धीरे खेल रहे हैं कंपेयर टू जेसन रॉय, क्योंकि दोनों की गेंदें जो हैं काफी हद तक सेम है, लेकिन रनों में डिफरेंस है काफी, 11 का डिफरेंस है। स्ट्रेट खेला हुआ शॉर्ट, स्ट्राइक को करेंगे रोटेट, गेंद रुकनी की नहीं, बाउंड्री जाएगा ये। बंस भी धीरे धीरे कवर करते हुए डिफेंस को, बढ़िया शॉट खेला था, प्लेयर मौजूद था नहीं दूर दूर तक। ट्रेंट बोल से बहुत उम्मीद है इस आज के दिन, अब कुछ भी कह दो लेकिन ट्रेंट बोल से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं मेरी। अगली गेंद एक बार फिर तेज गेंदबाजी की कोशिश है, शॉट गया है सीधे प्लेयर के हाथों में, कोई रन नहीं मिलेगा दो गेंदों पे। 186 रन से अभी भी ट्रायल कर रहा है। मैं आपको बता दूं, इस सिर्फ से पहला दिन है, ऐसा नहीं कि दूसरा दिन हो गया या तीसरा दिन हो गया, ऐसा नहीं है, पहला ही दिन चल रहा है और ये हालात हो गए हमारे टेस्ट मैच के। और इस तरह से चलता रहा तो बहुत कम चांस है कि यहाँ पर हम थर्ड डे भी पूरा देख पाए, मोस्ट प्रोबेबली थर्ड डे के दिन आ जाएगा रिजल्ट। बड़ा शॉट, बहुत देर से पैरों पे कर रहे थे गेंदबाजी, एक बैट्समैन कितना सहता, एक गेंद दो गेंद तीन गेंद चौथी को इन गेंद पे मार ही दिया यहाँ पे चौथी। साइड चेंज कराया यहाँ पे, फायदा हुआ है लेकिन विकेट के रूप में नहीं हुआ है, दबाव बनता हुआ यहाँ पे खिलाड़ी पे, बीट हुए हैं बैट्समैन। अभी हम स्लोअर गेंद डाल रहे हैं इस बार, फिर से देखते हैं बीट होते हैं कि नहीं, लगातार दो बार बीट हुए हैं लेकिन अभी भी एज नहीं लगी है, जो कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन एज नहीं लग रही, आउट नहीं हो रहा बंदा, तो ऐसी गेंदबाजी का फिर इतना मतलब नहीं रह जाता है। यहाँ पे लगातार लेग साइड पे गेंदबाजी भारी पड़ेगी एक बार फिर आपके ऊपर, ध्यान रखना होगा इस बात का। कोशिश यही है कि आउट स्विंग कराई जाए गेंद को और ऑफ स्टंप पे रख के, ना कि इधर ऐसे ओपन प्लेसेस में रख के, लेग साइड में ओपन फील्डिंग पे रख के। तेज गेंदबाजी यहाँ पे करते हुए ग्रांड हो, तो कोई बहुत बड़ा यहाँ पे चेंज नहीं दिखा, अपील किया यहाँ पे, कैमरा दिखा नहीं था मेरे को भाई, इसलिए अपील किया मैंने। नॉट आउट है वो तो मुझे भी मालूम है, क्योंकि जब इतनी बड़ी एज लगेगी तो अपील वो तो होगा ही, सीधी सी बात है। चौका देखना होगा, लगता है कि नहीं, लग तो रहा है कि लगेगा, क्योंकि गेंदबाजी बहुत ही खराब कर रहे हैं। स्लोअर गेंद, गैप में खेला शॉट, जाएगा चार रनों के लिए यहां पे। अगली गेंद कोशिश यही है कि स्टंप के नजदीक रखी जाए, यहां पे रुक गए गेंदबाज, फिर से गाय गेंदबाजी के लिए, तेज गेंदबाजी की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आज हो नहीं पा रही किसी भी तरीके से। मिडल पे रखा है, प्लेयर मौजूद है, ओवर पूरा करते हुए यहाँ पे अगले ओवर की तैयारी। यहाँ पर गेंदबाजी में आए ट्रेंट बोल्ट, एक तेज गेंद की कोशिश होने वाली है यहाँ पे। अभी के लिए डिफेंस हुआ है, फिर से एक बार कोशिश यहाँ पे लगातार अटैकिंग की हो रही है, डिफेंस देखने को मिलता हुआ। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर बंस खेले, मैं चाहूंगा जेसन रॉय खेले यहाँ पे। स्लोअर गेंद की कोशिश, अभी तक दोनों गेंदें काफी स्पीड से डाली है, यहाँ पे स्लो गेंद डाली है और गैप में खेल दिया है, चार रन जाएंगे, रोकना बेकार होगा यहाँ पर, चाह कर भी नहीं रोक पाएंगे यहाँ पे। एक बार फिर से कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ पे, स्टंप के नजदीक रखना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, सेट नहीं हो रही गेंदबाजी उस तरफ,
मध्यम गति से गेंदबाजी कर रहे हैं इस बार। इस बार भी बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद है। इस बार अंदर की तरफ रखी है तो शायद अंदर आएगी गेंद, लेकिन ज्यादा फायदा मिला नहीं है यहाँ पे। सिंगल ही मिला है सिर्फ। अगली गेंद, 8 ओवर का खेल बाकी है। अगर हम नीचे जो लिखा हुआ है उसको सही माने तो कई बार नहीं हुआ है सही, इसलिए मैं कह रहा हूं। एक तो थ्रो का ऑप्शन भी नहीं आता है इस तरह के सिचुएशन में, मेरे ख्याल से ऑटोमेटिक थ्रो हो जानी चाहिए। ग्रांड होम यहां पर विकेट की तलाश में है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी सफलता मिली नहीं है। यहां पर बड़ा शॉट देखने को मिला है जिसन रॉय के बल्ले से, वन बाउंस बाउंड्री जाता हुआ, वन बाउंस बाउंड्री जाता हुआ। 50 किए हैं पूरे यहां पर जिसन रॉय ने। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी पूरी तरीके से उम्मीदें खो चुके हैं, क्योंकि यहां पर इतना बड़े रन बना देंगे अगर कोई खिलाड़ी ओपनिंग में, वो भी चांसेस खत्म है फिर। आपने कोई बहुत बड़े रन बनाए नहीं है स्कोर कार्ड पे, आपके सामने वाली टीम के ओपनर ने इतने ज्यादा रन बना दिए कि भाई आपके रन कम और कम लगने लगे। लेग साइड पे रखी गेंद, अच्छा फील्डिंग किया है यहाँ पे, रोका है कम से कम सिंगल यहाँ पे। साइड हम भी चेंज करेंगे, हम राउंड द विकेट आए हैं। राइट आर्म तेज गेंदबाज, मीडियम राइट आर्म मध्य मीडियम गेंदबाज। स्लोवर की कोशिश यहाँ पे, जितना स्लो हो सकता है उतना स्लो करने वाले हैं हम लोग, लेकिन बढ़िया तरीके से खेला इसे। एक और ओवर पूरा होता हुआ यहाँ पे। अगली कोशिश स्टंप के नजदीक रखने की थी लेकिन वो नहीं पाई है। देखते हैं इस बार कहां जाता है गेंद, क्योंकि बाहर निकलने वाला है एज लगता हुआ। इस बार कोई प्लेयर के हाथ में नहीं गई है गेंद, जब सही में मौका बना है, सही में मौका बना है तब ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहां बहुत बढ़िया फील्डिंग काउंट का जो जोड़ी बनाई है वो काफी लाजवाब। यहां पे बाउंड्री जाने से रोका है, 3 रन ले लिया है, लेकिन तब तक यहां पे 1 रन बचाते हुए। सिंगल ही मिलेगा सिर्फ यहां पे। मैं भी चाहता हूं जल्दी हो ये मैचेस, क्योंकि मुझे अभी मेन चीज जो देखनी है वो ये है कि मेरा जो हमारा सुपर 30 का डेटा है उसकी क्या हालात है, वो मुझे देखना है सुपर 30 के क्या हालात है, क्योंकि अगर वो डेटा मिट गया तो भाई मेरी हमारी कितनी बड़ी मेहनत मिट जाएगी वो आप सोचो यार। एक सबक भी मिल गया कि हर रोज मैच खेलने के बाद डेटा बैकअप लो अगर आप सीरीज कर रहे हो तो, वरना बहुत ज्यादा पछतावा होगा। कोई भी विकेट नहीं खोया अभी तक और 99 रन हो गए और यहाँ पे 100 पूरे होंगे बिना किसी विकेट के। 42 पे पहुंचेंगे बंस, 50 ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं जेसन रॉय। पार्टनरशिप भी यहाँ पे 100 की पूरी होती हुई, इंग्लैंड का भी यहाँ पे 100 का स्कोर पूरा हुआ है। बढ़िया गैप, 4 रन मिलेंगे। अंदर की तरफ लाना है गेंद को, स्ट्रेट खेला हुआ शॉट। इस बार आउट स्विंग कराने की कोशिश है, लेकिन जब तक मिडिल स्टंप और ऑप्शन पे एकदम ऑफ स्टंप पे नहीं रखेंगे तब तक ये खेलने वाले हैं नहीं। चलिए देखते हैं इस बार गेंद क्या होती है। यहाँ पे गई है बाउंड्री की लाइन पे जाती हुई, सिंगल ही मिलेगा सिर्फ। बाउंसर की मदद ले रहे हैं यहाँ पे।
ज़्यादा फ़ायदा मिला नहीं है, सिंगल रुका ये एक अच्छी बात है, लेकिन फिर भी जिस तरह की फ़ायदे की उम्मीद है ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। टॉट गेंद, और एक बात प्रूफ हो गई कि इस गेम में इंग्लैंड के ओपनर्स बहुत बढ़िया खेलते हैं, जब आपके सामने हो तब तो सबसे बेहतरीन खेलते हैं। गैप में चौका जाएगा, सेट हो गए धीरे धीरे बैट्समैन, अब इनको आउट करने के लिए आपको एक अलग ही लेवल पे गेंदबाजी करनी होगी, कम से कम एक गेंद ऐसी करनी होगी जो अलग हो सबसे, या तो फिर वो लोग गलती कर दें तो बात अलग है। ट्रेंट बोल्ट कोशिश तो बहुत की इन्होंने, लेकिन विकेट अभी भी नहीं मिली है इनको। अब कैसी गेंद करे ये बंदा, खेल ही नहीं रहा। मिडिल स्टंप पे मैं रखने जाऊंगा गेंद तो मिडिल स्टंप पे जाएगी नहीं। चले इस बार मैं कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा गेंद को, सीधा फेंक रहा हूं सिर्फ। या इस बार बेहतर गई है, स्लोअर डाल रहे हैं इस बार। हैज लगा है, ये बहुत दूर है, अरे बहुत ज्यादा दूर है। कैच किया है वन हैंड, वो भी पहला विकेट। अरे नॉट आउट दे दिया अंपायर ने, चैलेंज दे रहे हैं हम लोग भाई यहाँ पे। मैं चैलेंज देने का मेन मकसद ये है कि ज्यादा मौके मिलने नहीं वाले, 90 ओवर में कल 60 ओवर तो ऑटो प्ले में जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली मौका मिलने वाला है नहीं। बहुत पीछे से की थी गेंदबाजी इस बार हमने, बैट पर लगी है तो फिर आउट है, या तो फिर देखना होगा फिर कि ग्लव्स कहीं टच वच तो नहीं हुआ। ये लगी है, एज लगी है मेरे ख्याल से, बैट का किनारा लगा है। अरे नॉट आउट दे रहा है, ये क्या बकवास है यार एम्पायर, रिप्ले देखेंगे हम लोग ये भाई साहब। अरे ओवर मैच खत्म यहाँ पे दिखा रहा है, सेशन खत्म दिखा रहा है इस गेम प्ले के हिसाब से। यहाँ पर दिखा था कि 6 ओवर बाकी है, 5 ओवर बाकी है, कैसे इसने कर ली ओवर, हमने लगभग 64 से 65 ओवर खेली थी। रिप्ले देखना चाहता हूं लेकिन देखने का ऑप्शन नहीं है। डे वन आप देख सकते, देखिए डे ऊपर टाइम देखिए आप, फर्स्ट इनिंग लिखा है उसके नीचे टाइम डे टू का आ गया है। 22 ओवर हुई है, 64 हमने वहां पे खेले, 64 पॉइंट कुछ तो घूम फिर के यहां पर हो चुका है लगभग ओवर, पता नहीं ऐसे तो बाकी है लेकिन पता नहीं क्यों डे वन पूरा हो गया है जल्दी, और हम लोग डे वन का ही गेम प्ले कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये हालात है, न्यूजीलैंड की बैटिंग आई पहली, सिवाय रोस टेलर के और कोई कुछ नहीं कर पाया है बड़ा। बैटिंग आई इंग्लैंड की 66 और 42 के साथ, एक जबरदस्त शुरुआत दिलाई इंग्लैंड, ट्रायल कर रहा है 152 रन से डे वन के एंड में, और देखते हैं क्या होता है डे टू में। लेकिन अभी के लिए लेनी होगी आप लोगों से विदा, जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट प्यार हमारे वीडियोज़ और चैनल को देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।